अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वतुइज्जु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत भी वही देता है और जिल्लत भी वही देता है। दोस्तों, यही है वो सोनू निगम जिसने कुछ अरसे पहले अजान की बेरूह मती की थी। सोनू निगम ने 2017 में एक ट्वीट जारी किया था जिसमें लिखा था कि हम नॉन मुस्लिम हैं तो फिर क्यों सुबह की अजान हमारी नींद ख़राब करती है, हमें बिना वजह 5 वक्त की अजान बर्दाश्त करना पड़ती है। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से अपील की थी कि अजान पर पाबंदी लगाई जाए। सोनू निगम के इस ट्वीट पर मुसलमान बिरादरी ने उन्हें बड़े हाथों लिया था और उनकी खूब लानत और बलामत की थी। इस ट्वीट के चंद रोज़ बाद सोनू निगम जिल्द की बीमारी में मुब्तिला हो गए थे, यानी कि उन्हें स्किन प्रॉब्लम हो गई थी और सब जगह से यही आवाज़ें आने लगी थी कि उनके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब है। दोस्तों, आजकल सोनू निगम दुबई में मुकीम हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कुरान पाक की आयत पढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए ये वीडियो इंतहाई हैरान करने वाली है कि वो सिंगर जिन्हें अजान की आवाज़ अच्छी नहीं लग रही थी, अब वो कुरान की आयत पढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से काफ़ी बहस चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से सज़ा मिलने के बाद सोनू निगम की अकल ठिकाने आ गई है, इसलिए वो कुरान मजीद की आयत पर रहा है। बहरहाल, ये जो भी है, अच्छी बात यह है कि एक गैर मुस्लिम अपनी बात करते हुए दलील के लिए कुरान मजीद की आयत का हवाला दे रहा है। दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? क्या सोनू निगम की ज़िंदगी में वाकई बदलाव आ गया है या फिर वो ये नाटक मुसलमान का गम और गुस्सा कम करने के लिए कर रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की और अपडेटेड वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।